नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुधीर मुनगंटीवार की महाविकास आघाड़ी पर प्रतिक्रिया। मुनगंटीवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को करना चाहिए आत्म परीक्षण। नागपुर में शिवसेना की ओर से किया गया सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में पदाधिकारी थे उपस्थित। और चंद्रपुर में एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसैनिक हुए आक्रामक, एकनाथ शिंदे का फोटो जलाकर व्यक्त किया आक्रोश। सुधीर मुनगंटीवार ने महाविकास आघाड़ी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब किसी दल, समूह या वर्ग द्वारा राज्यपाल को पत्र दिया जाता है, उस संबंध में जानकारी का अनुरोध करें, यह राज्यपाल का कर्तव्य है। महाराष्ट्र में जितनी अधिक अस्थिरता होगी, उनके मन उतने ही अस्थिर होंगे, ऐसा सुधीर मुनगंटीवार ने इस वक्त कहा। राज्यपाल महोदयांना जेव्हा एखाद्या पक्षाकडून, एखाद्या समूहाकडून, एखाद्या वर्गाकडून एखाद्या विषयावर पत्र दिले जातं, निवेदन दिले जातं, त्या संदर्भातली माहिती ही महामहिम राज्यपाल महोदयांनी मागवणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं। याचा अर्थ महामहिम राज्यपाल महोदयांनी कुठं आक्षेप घेतला, चूक आहे असं सांगितलं असा होत नाही। कोणतंही पत्र दिल्यानंतर त्या पत्राच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रशासनाकडून खुलासा करून घेणं, माहिती घेणं हे राज्यपालांचं कर्तव्यच आहे, आणि म्हणून प्रश्न उपस्थित होत नाही। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने राज्यामधल्या अस्थिर परिस्थितीमध्ये सुद्धा काही लोक स्थिर मनाने जी आर काढत तिथंही याही परिस्थितीमध्ये पैसे कमवण्याचे उद्योग करत आहेत अशी शंका आल्याने हे पत्र देण्यात आलं। ही माहिती आमच्याकडे नाही, ही आपल्याला संजय राऊत साहेबांकडून घ्यावी। असं आहे की त्यांच्या म्हणण्यावर आता काही भाष्य करण्याची वेळ आली नाही। ज्या ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये अस्थिरता वाढेल, तेवढंच त्यांचंही मन हे चंचल आणि अस्थिर होईल। अस्थिर मनाने ते काय भाष्य करतील याचा भरोसा नाही, आणि म्हणून डबकं असे नवीन नवीन शब्द, वराह, रेडे असे नवीन नवीन शब्द महाराष्ट्राला अजून काही दिवस ऐकावे लागतील असं वाटतं। जेवढे दिवस आवश्यकता असेल तेवढे दिवस भेटेनवादची भूमिका असेल। शेवटी भेटेनवादची भूमिका याचा अर्थ त्याला दिवसाच्या मर्यादेत बांधता नाही येणार ना। आज जी अस्थिर परिस्थिती आहे, त्या अस्थिर परिस्थितीमध्ये आम्ही लक्ष ठेवून आहोत की महाराष्ट्राच्या जनतेचं नुकसान होऊ नये। स्वार्थाच्या खुर्चीच्या बाजारात ज्यांनी 24 ऑक्टोबर 2019 दुपारी 4 पत्रकार परिषद घेऊन गद्दारीची भाषा केली, महाराष्ट्राच्या जनादेशाचा अवमान केला। रिलायन्स समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही उनके बड़े पुत्र आकाश अंबानी को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने मंगलवार को शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने BSE और NSE को बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में गैर कार्यकारी निदेशक आकाश अंबानी को कंपनी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी गई। उसके पहले मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। मुकेश अंबानी का इस्तीफा 27 जून को बाजार बंद होने के बाद से मान्य हो गया है। इसके साथ ही पंकज मोहन पवार को अगले 5 के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं रमिंदर सिंह गुजराल और KV चौधरी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस कायम है। शिवसेना के बागी नेता दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनका ही गुट है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं की संख्या उतनी ही है जितना बताया जा रहा है, इसलिए शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी बैठकों का सिलसिला बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा और शिवसेना के बागी गुट के बीच डील अंतिम चरण में है। इसके अनुसार एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर सस्पेंस कायम है। शिवसेना के बागी नेता दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनका ही गुट है।
दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं की संख्या उतनी ही है जितना बताया जा रहा है, इसलिए शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उनकी ही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी बैठकों का सिलसिला बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा और शिवसेना के बागी गुट के बीच डील अंतिम चरण में है। इसके अनुसार एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस इस वक्त नई दिल्ली में हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद उनकी मुलाकात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी विकल्पों पर विचार किया है। इनमें एक विकल्प महाराष्ट्र में सरकार बनाने का है। इसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस खुद करेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट के 8 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। मीडिया में शिंदे गुट के इन विधायकों के मंत्री बनने की अटकलें तेज है। ये नाम है सरकार बनने की सूरत में शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट। एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू कड़ू, प्रकाश आबिदकर, संजय रेमुलकर और संजय शिरसाट। इससे अलग सूत्रों ने बताया है कि शिंदे के गुट के 28 विधायकों को सरकार में एडजस्ट किया जा सकता है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। का फिर से स्वागत है। मंगलवार 28 जून 2022 दोपहर 2 बजे जैन कलार हॉल रेशमबाग चौक नागपुर में सभी शिव सैनिकों की सभा का आयोजन किया गया। हालांकि सभी पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा शाखा, सभी संबंध संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही बाला साहब और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शिवसेना नागपुर जिला तरफे संपूर्ण शिवसैनिक हे माननीय उद्धव साहेबासोबत आहे, उद्धव साहेबाच्या नेतृत्वासोबत आहे, आणि हे संपूर्ण विभागाविभागात, तालुक्या तालुक्यामध्ये संपूर्ण शिवसैनिकांची भावना होती की संपूर्ण एकत्र यावं आणि आम्ही उद्धव साहेबासोबत आहो याचा मेसेज द्यावा आणि संपूर्ण एकत्र मिळून या बंडखोर जो आहे त्याचा निषेध करायचा आणि उद्धव साहेबासोबत आहो हे दाखवण्यासाठी आजच्या खऱ्या अर्थाने या मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। निश्चित रूपाने आम्ही संपूर्ण शिवसैनिक हे उद्धव साहेबासोबत आहो, उद्धव साहेबाच्या समर्थनात राहता प्रश्नच नाही, समर्थनातच आहो आणि यानंतर
संपूर्ण शिवसैनिका अतिशय मोठ्या जिद्दीने आणि निष्ठेने हा काम करतो. यानंतर ज्या येणाऱ्या निवडणुका आहेत त्या जिल्हा परिषद असो, नगरपंचायत असो, नागपूर महानगरपालिका असो, हे मोठ्या आम्ही जिद्दीने आणि ताकदीने लढून या ठिकाणी भगवा फडकवण्याचं काम आणि शिवसेनेचे लोक निवडून आणण्याचं काम सर्व शिवसैनिक म्हणून या ठिकाणी शपथ घेण्यासाठी माननीय उद्धव साहेबांसोबत आहो हे दाखवण्यासाठी आजच्या या मेळाव्याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. औरंगाबाद में 2 मोटरसायकल और 12 स्पोर्ट्स बाइक चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने चोरी की गाड़ियां और 1.5 लाख रुपए जब्त किए हैं. औरंगाबाद शहर में सिटी चौक पुलिस के विशेष दस्ते ने 2 मोटरसाइकिल और 12 स्पोर्ट्स साइकिल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए जब्त किए हैं. गौरतलब है कि चोरों ने शहर के अलग अलग हिस्सों से ब्रांडेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चोरी कर ली. चोर का नाम अर्जुन बेलप्पा वाणी है. जब सिटी चौक पुलिस स्टेशन का विशेष दस्ता कैंसर अस्पताल में गश्त कर रहा था, वे मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति के पास आए और उनसे पूछताछ की. पुलिस के समक्ष उसने चोरी करना कबूल कर लिया और उसके कब्जे से 2 साइकिल और 12 मोटरसाइकिले जब्त की. आमच्या विशेष पथकाच्या टीम ने एक 2 मोटरसाइकल, 2 एक्टिवा मोटरसाइकल आणि 12 सायकल्स असे जप्त केलेले आहेत आणि एकूण 4 गुन्हे ओपन झालेले आहेत. त्यामध्ये 3 पोलीस स्टेशन सिटी चौकचे आहेत आणि 1 पोलीस स्टेशन सिडकोचा आहे. सायकल संदर्भाने 1 गुन्हा आपल्याकडे दाखल आहे आणि मोटरसायकलचे 3 गुन्हे दाखल आहेत. क्या किंमत होंगी सायकल की सर? सायकल सगळ्या मिळून 1.5 लाखाच्या आसपास आहेत आणि मोटरसायकल तर 2 आहेत. 1 25,000 ऍक्टिवा, 1 दुसरी पण त्याच किमतीची एक ऍक्टिवा आहे. आणि आमची विशेष पथकाची टीम माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांच्या आदेशान्वये जे आपलं मोटरसायकल ट्रॅपिंग आहे ते कॅन्सर हॉस्पिटलच्या ठिकाणी काल ते ड्युटीला होते. एक संशयित व्यक्ती त्यांना दिसून आला. दिसून आल्यानंतर त्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली. त्याचा संशय वाटल्याने पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर त्याच्याकडून सखोल विचारपूस करता त्यांनी सदर एवढ्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तपासादरम्यान काढून दिलेल्या आहेत. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार का कानूनी दर्जा खत्म कर दिया, जिसके बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं अब महिलाओं ने देशव्यापी सेक्स स्ट्राइक की धमकी दे डाली है. महिलाओं ने कहा है कि जब तक वो खुद गर्भवती नहीं होना चाहती तब तक वो किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाएगी. न्यूयॉर्क में सड़कों पर विरोध कर रही एक महिला ने कहा कि हमारे मन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर डर है. उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लोगों की खोज है जो सामूहिक सेक्स स्ट्राइक को फॉलो कर सके. महिला ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास नारा लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है. बता दें, कोर्ट के खिलाफ ये मांग इतनी बढ़ गई है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. एक अन्य शख्स ने कहा कि महिलाओं के इस अधिकार को जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती तब तक सेक्स स्ट्राइक जारी रखेंगे. अमेरिकी महिलाएं हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रही है. उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वो अनचाहे प्रेगनेंसी का जोखिम नहीं उठा सकती, जिस कारण ना तो वो अब अपने पति या किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाएंगी. बताया जा रहा है कि अमेरिका के 50 राज्यों में से 26 राज्यों ने गर्भपात को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने की तैयारी शुरू कर दी है. चंद्रपुर में शिवसैनिक विद्रोही एकनाथ शिंदे के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं. शहर के तुकुम इलाके में कामगार सेना के जिलाध्यक्ष बंडू हजारे के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिकों की मौजूदगी में उन्होंने विधायक एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की और शिंदे का फोटो चलाया. चंद्रपुर में शिवसेना विधायकों के बगावत से शिवसैनिक काफी नाराज है. बागी विधायकों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए शिवसैनिक सड़कों पर उतर रहे हैं. इसका असर चंद्रपुर में भी महसूस किया गया. कामगार सेना बंडू हजारे के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिकों ने शिवसेना के विद्रोह विधायकों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए वे सड़कों पर उतर आए. शिवसेना की वजह से कई को विधायक पद से लेकर मंत्री तक पहुंचने का मौका मिला. हालांकि एकनाथ शिंदे समेत विधायकों ने शिवसेना को धोखा दिया और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की. हम शिवसैनिक इस कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. ऐसे विद्रोहियों को अच्छा सबक सिखाते हुए बंडू हजारे ने चेतावनी दी. इस आंदोलन में सैकड़ों शिवसैनिक मौजूद थे. 7-8 दिवसापासून ज्या शिवसेनेमध्ये त्यांचं आयुष्य गेलं, जे स्वतः म्हणजे एक ड्रायव्हर, टॅक्सी ड्रायव्हर असे सर्व शिवसैनिक म्हणून होते आणि त्यांना बाळासाहेबांच्या शिवसेनेनं एवढं मोठं केलं तरी एवढं मंत्रीपद देऊनसुद्धा सर्व करूनसुद्धा माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी यांनी धोका दिला आणि बंडखोरी केली. त्यामुळे आम्ही त्यांचा बंडखोर आमदाराचा निषेध म्हणून आज कामगार सेनेतर्फे आणि युवा सेनेतर्फे आज आम्ही इथं
ये निषेध मोर्चा में ठेवला। ONGC का हेलीकॉप्टर जिसमें दो पायलट सहित 9 लोग सवार थे मंगलवार को आपातकालीन स्थिति में अरब सागर में कंपनी के एक रिग के पास उतरा। कंपनी ने यह जानकारी दी। ONGC के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 9 में से 4 लोगों को बचाया गया है और अन्य को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी है। हेलीकॉप्टर में ONGC के 6 कर्मचारी सवार थे और एक व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदार से संबंधित थे। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।